हेलो स्टूडेंट्स, नॉलेज पार्क इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री सब्जेक्ट जिनके पास है, ये वीडियो उनके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। मीन आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं कुछ समय बाद, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाए। चलिए वीडियो को शुरू कर दें। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरीके के क्वेश्चन को कवर करने वाले। स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर केमिस्ट्री के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस लिए। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, तो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, व्हाट डू यू मीन बाई वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी गिव इट्स लिमिटेशन। मीन संयोजकता बंध सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इसकी सीमाएं आपको बतानी है। संयोजकता बंध सिद्धांत क्या है, आपको उसको एक्सप्लेन करना है, साथ साथ उसकी सीमाएं, उसकी क्या कमियां हैं, आपको यहां पर ये भी एक्सप्लेन करनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दो की तरफ देखें, तो क्वेश्चन नंबर दो में यहां पर कहा है, व्हाट इज वेस्पर थ्योरी, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ NH3H2 and SO4 ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर। मीन वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग, वेस्पर थ्योरी क्या है, वेस्पर थ्योरी मीन संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत क्या है, और इसी वेस्पर सिद्धांत के आधार पर NH3H2O SF4 आदि की संरचनाओं को भी यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए आता है। तो अधिकतर आने वाला क्वेश्चन है ये भी, वेस्पर थ्योरी अधिकतर आ जाती है, साथ साथ इसी थ्योरी के बेसिस पर आपको इनमें से किसी की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा सकता है। ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी बन सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ चलें, तो क्वेश्चन नंबर थ्री में यहाँ पर कहा है, व्हाट डू यू मीन बाय आयनाइजेशन पोटेंशियल, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग इट, हाउ डज इट चेंज अलोंग द ग्रुप एंड द पीरियड। मीन आयनन विभव क्या है, आयनन विभव क्या है और इसको प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है, साथ साथ ये वर्ग और आवर्त में कैसे परिवर्तित होता है इसके बारे में भी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा आने वाले क्वेश्चन है, इस पर आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, एग्जाम में आपको ये मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिया है विद्युत ऋणात्मकता का, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग इट एंड हाउ डज इट चेंज अलोंग द ग्रुप एंड द पीरियड। ये भी बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन है जैसे आयनन विभव के बारे में पूछा गया था, वैसे ही विद्युत ऋणात्मकता से आप क्या समझते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और आवर्त और वर्ग में ये गुण किस तरीके से परिवर्तित होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और हमने यहाँ पर लिया है, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, एक्सप्लेन इट्स टाइप एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड अफेक्टेड बाय इट, इसके प्रकार बताने हैं, साथ साथ इससे प्रभावित होने वाले गुणों के बारे में वर्णन करना है। तो ये क्वेश्चन आपको हाइड्रोजन बॉन्ड लॉन्ग में भी मिल जाता है और शॉर्ट में भी आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिया है, व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन इट्स टाइप विद एग्जांपल, मीन संकरण से आप क्या समझते हैं और इसके प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। तो संकरण भी बहुत ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है, हाइब्रिडाइजेशन अधिकतर आ जाता है, प्रकार और एग्जाम्पल यहाँ पर साथ में इसके दिए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिएक्शन इंटरमीडिएट, एक्सप्लेन गिविंग एग्जांपल्स, मीन अभिक्रिया मध्यवर्ती क्या होते हैं, उदाहरण सहित आपको यहाँ पर समझाना है। तो अभिक्रिया मध्यवर्ती क्या है उनको उदाहरण सहित समझाना है, मीन कार्बोधनायन, कार्बोऋणायन, कार्बीन और मुक्त मूलक के बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा, इनके बारे में शॉर्ट नोट भी आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिया है, व्हाट इज कॉन्फर्मेशन,
एक्सप्लेन कॉन्फर्मेशन टेकन एन एग्जाम्पल ऑफ एथेन और साइक्लोहेक्सेन, मीन संरूपण क्या है और एथेन और साइक्लोहेक्सेन का एग्जाम्पल देते हुए आपको समझाना है, मीन संरूपण के बारे में बताना है, साथ साथ एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करना है, या तो एथेन का आ सकता है या फिर साइक्लोहेक्सेन का आ सकता है, एथेन वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समावयवता क्या है, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल ऑफ लैक्टिक एंड टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड और टार्टरिक एसिड का एग्जांपल लेते हुए से समझाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिया है, एक्सप्लेन एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, सममिति के तत्वों का वर्णन करना है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है, सममिति का अक्ष, सममिति का तल और सममिति के केंद्र के बारे में यहां पर पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी इसका बन जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से भी आना है, तो हमने यहां पर एक क्वेश्चन लिया है, राइट एन एसे ऑन द आउटपुट एंड इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, मीन कंप्यूटर की जो आउटपुट और इनपुट युक्तियां हैं आपको उनका वर्णन करना है, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है आपको इसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो ये लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि लॉन्ग में आने के चांसेस हैं। इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और देख लेते हैं, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हमने पहला लिया यहाँ पर पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, मीन ध्रुवीय और अध्रुवीय सहसंयोजी बंध, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। इसके अलावा दूसरा हमने यहाँ पर लिया है फजान्स रूल, मीन फजान का नियम, ये भी एग्जाम में अधिकतर आ जाता है। इसके बाद तीन नियम आते हैं, पाउली का नियम, आवाओ का नियम और हुंड का नियम, ये तीनों नियम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अधिकतर आपको ये एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तीनों में से एक तो अधिकतर मिल ही जाता है, तो इन तीनों को तो आप सबसे पहले तैयार कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट हमने यहाँ पर लिया है लेटिस एंथैल्पी, जालक ऊर्जा, इसके बाद डायपोल मोमेंट हमने लिया है, डायपोल मोमेंट क्या होता है आपको इसके बारे में नोट लिखने के लिए आ सकता है, परिरक्षण प्रभाव, तो परिरक्षण प्रभाव के बारे में आ सकता है, सॉल्वेशन एंथैल्पी मीन विलायकन ऊर्जा के बारे में भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा अधिकतर आने वाले क्वेश्चन में एक यहाँ पर अनुनाद, अनुनाद बहुत ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है, आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे, ये शॉर्ट में अधिकतर आ जाता है। इसके बाद हमने कुछ और क्वेश्चन भी यहाँ पर लिए हैं, जैसे हमने एक क्वेश्चन दिया है सेकेंड आयनाइजर एंथैल्पी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजर एंथैल्पी एक्सप्लेन, मीन द्वितीय आयन अनुभव का मान प्रथम आयन अनुभव से अधिक होता है, इसकी व्याख्या कीजिए, तो आपको इस बारे में क्वेश्चन बन सकता है। या फिर एक क्वेश्चन और लिया हमने यहाँ पर, आयनेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन वाई, मीन नाइट्रोजन का जो आयन अनुभव है वो ऑक्सीजन से अधिक होता है क्यों, तो ये क्वेश्चन भी अधिकतर आने वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल होता है नाइट्रोजन में वो आंशिक रूप से भरा हुआ होता है और जिसके कारण ही नाइट्रोजन का आयन अनुभव जो होता है वो ऑक्सीजन से अधिक हो जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है व्हाट राइट द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा और पाई बंद में अंतर यहाँ पर पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। इसके बाद तीन क्वेश्चन और लिए हमने लिए हैं यहाँ पर, जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाई बॉन्ड फ्यूजन, बंद वियोजन क्या है, मीन बंद विदलन क्या है, एक्सप्लेन इट्स टाइप, इसके प्रकार बताने हैं, मीन होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक के बारे में आपको यहाँ पर बताना होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया है व्हाट डू यू मीन बाय न्यूमैन एंड साहोर्स प्रोजेक्शन, न्यूमैन और साहोर्स प्रक्षेपण सूत्र से आप क्या समझते हैं, आपको उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आने वाला है जो यहाँ पर दिया है, ये ड्रॉ मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2O2 पॉजिटिव NO एंड ऑल्सो फाइंड बॉन्ड ऑर्डर, मीन आपको किसी भी अणु का अणु ऑर्बिटल आरेख बनाने के लिए आ सकता है, साथ साथ उसकी बंद कोटि भी फाइंड करने के लिए दी जा सकती है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पे आपको दिखाए हैं, तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लें, जैसे इसमें अणु ऑर्बिटल वाला क्वेश्चन था आप इसको तैयार करें, न्यूमैन और साहोर्स और न्यूमैन वाला ये क्वेश्चन दिया हुआ है आप इसको तैयार कर लें, और ऊपर की अगर हम बात करें
तो सिग्मा और पाई बॉन्ड वाला क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अनुनाद है ऊपर ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे इन तीनों नियमों को देखें, पाउली का नियम, हुंड का नियम, आहुबाहु का नियम, ये तीनों नियम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और लॉन्ग में भी अगर हम फिर से देख लें तो लॉन्ग में हम एक तो ले सकते हैं सम्मिति का तत्व, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट में आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पर संरूपण है, संरूपण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है। और अभिक्रिया मध्यवर्ती बन सकता है, अभिक्रिया मध्यवर्ती काफी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर कार्बो धनायन, कार्बो ऋणायन, कार्बीन सब इसी में इंक्लूड हो जाते हैं। इसके अलावा ये हाइब्रिडाइजेशन मीन संकरण वाला जो क्वेश्चन है। और ऊपर अगर बात करें तो आयनन विभव, ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। अगर आपने केमिस्ट्री का सैंपल पेपर नहीं देखा, मीन प्रीवियस ईयर्स का पेपर नहीं देखा, तो आप ऊपर दिए गए आई बटन से सैंपल पेपर भी देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी सैंपल पेपर को देख सकते हैं जो पिछले साल पेपर आया था। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने लॉन्ग करने होंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आपको करने होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ अपने फ्रेंड के साथ में शेयर भी करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।